हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीकेंड संडे को हम लोग आए थे यहाँ सहकार नगर ग्लेन्स बेक हाउस में। ये मेरा मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे। काफ़ी सुना था इसके बारे में, तो मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा भी था हमारा, और साथ में हमारे दो फ्रेंड्स भी थे। तो हम लोग सब साथ में यहाँ ग्लेन्स बेक हाउस आए थे, जैसा कि आपको सामने नज़र आ भी रहा होगा। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, लेकिन जितना भी रहा वो बहुत अच्छा रहा। अंदर का एम्बियंस जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब डिसेंट और बहुत अच्छा है। बहुत ही साफ़ सुथरा प्लेस है। और बेक हाउस जो है, ग्लेन्स बेक हाउस, ये फेमस है ख़ास तौर पे अपने ब्रेड कपकेक्स के लिए। और सबसे शानदार जो यहाँ पे मस्ट ट्राई आइटम जो है वो है रेड वेलवेट कपकेक। बाकी सारे आइटम्स भी जो है आपको नज़र आ ही रहे होंगे। और थोड़ा यूरोपियन टच है इनके फूड आइटम्स में, और बाकी जो जो भी यहाँ पे थीम्स बने हुए हैं वॉल पे, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं और जो भी कोट्स लिखे हुए हैं, वो थोड़ा आपको फनी भी लगेगा। और जितने जो इमेजेस बनाए गए हैं वो यूरोपियन कल्चर का टच नज़र आएगा आपको यहाँ पे। तो हम सारे लोग आज यहीं आए थे। तो ये रहे मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं वीडियो बना रही थी इधर उधर घूम के, थोड़ा सा एम्बियंस का जायज़ा ले रही थी। और ये देखिए सामने मेरा फेवरेट रेड वेलवेट कपकेक रखा हुआ है, और दूसरा भी आई थिंक चॉकलेट फ्लेवर का कपकेक रखा हुआ है। और सामने देखिए एक कोटेशन भी जो नज़र आ रहा है, कितना फनी सा है कि वाकई में ज़िंदगी आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम के बाद की ही हो गई है। सबसे पहले हम उठते ही फ़ोन हाथ में लेते हैं, जैसा कि हमको हैबिट हो गया है। सुबह उठो तो मॉर्निंग में देखो व्हाट्सएप क्या आया है, फेसबुक पे क्या नया नोटिफिकेशन मिलता है। तो सही बात है, ज़िंदगी अब लेफ़्ट ओवर वाली ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, बाकी ऑल टाइम हम लोग फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं। तो ये देखिए मैं इसी इमेज की बात कर रही थी जो बनी हुई है वॉल पे। और ये मेरी फ्रेंड, इसका नाम सृष्टि है, मेरे हस्बैंड और एक फ्रेंड है अनुभव। तो हम लोग सब लोग साथ में थे और बहुत मज़ा आया। तो हमने अभी फ़िलहाल तो सबसे पहले कपकेक ही मंगाया था, और यहाँ चल रही थी पिज़्ज़ा की तैयारी। तो मैं इनके ओवन वाले स्पेस पे आ गई थी कि देखूँ कैसे बनता है। और ये देखिए गर्मा गर्म भट्टी जल रही है। जब मैं यहाँ आई तो काफ़ी गर्म था, मतलब एरिया जो है, क्योंकि अंदर एसी चल रही थी। और फिर मैं जब यहाँ आई तो अच्छा खासा गर्म लग रहा था यहाँ पे, मज़ा भी आ रहा था। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड भी देखने आ गए कि कैसे क्या प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए सामने पिज़्ज़ा प्रिपरेशन चल रही है। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत हम लोग देखे, फिर मैं अंदर आ गई और ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और देखिए कितना अच्छा ये इमेज जो है बनाया गया है, मतलब फुल प्रोसेस दिखाया गया है कैसे, मतलब बेक हाउस में कैसे तैयार किया जाता है ब्रेड वगैरह। तो इस तरीके से मैं हर एंगल से वीडियो फुटेज ले रही थी, और ये बेटा मेरा इधर उधर घूम रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा ऊपर चल के भी देखते हैं कि ऊपर का कैसा है। तो ये हम लोग ऊपर आ गए, यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं थे, यहाँ पे कुछ ही लोग थे मौजूद थे। और ये बाहर की कॉरिडोर गैलरी बोल सकते हो आप। तो इधर भी जो है मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था इन लोगों ने। तो यहाँ से जो व्यू है बाहर का दिखता है बहुत ही अच्छा। तो सहकार नगर तो वैसे भी अपने आप में बहुत ही हैपनिंग एरिया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे, कुछ फेमस खाने पीने का बहुत अच्छा जगह है ये। तो मैं सहकार नगर आई तो हूँ, लेकिन इस जगह पे नहीं आई थी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ओवरऑल बहुत ही गुड एक्सपीरियंस था। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये सहकार नगर का ग्लेन्स बेक हाउस है, तो मस्ट विजिट प्लेस है, आप लोग भी आके एक बार विजिट कर सकते हो। और जिस चीज़ के लिए फेमस है, सबसे फेमस तो यहाँ पर रेड वेलवेट कपकेक है। अगर आप यहाँ आते हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा।
और दूसरा कि इसका फूड मेन्यू ऑप्शन भी जो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन जो है बहुत ही लाजवाब है, बहुत सारे, जैसे कि पहले ही बता दिया मैंने आपको कि फूड में जो है थोड़ा यूरोपियन टच आपको देखने को मिलेगा। मैंने जब मेन्यू देखा तो बहुत सारे ऑप्शन थे, ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से मैंने ऊपर का जायज़ा ले लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा ही पेंटिंग वगैरह देख रही थी, उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे कोटेशन वाले ऐसे फ्रेम लगे हुए थे तो मैं बस उस पढ़ रही थी। उसके बाद नीचे गई, नीचे जाने के बाद हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा वीडियो फुटे मतलब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। पिज़्ज़ा आ गया। तो ये देखिए, ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया था और इसको ऑर्डर मेरी फ्रेंड ने दिया था, चूँकि उसका बर्थडे था, जो मेरी फ्रेंड सृष्टि कम सिस्टर जो भी आप बोल लो, तो वही हम लोगों को यहाँ लेकर आई थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन उन लोगों ने ही ऑर्डर किया था, तो ये लोग सर्व कर रहे थे और मैं बस थोड़ा बहुत वीडियो ऐसे ही बनाई जा रही थी। उसके बाद हमने जब मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही लाजवाब, मतलब बहुत ही यम्मी सा मुँह में घुल जाने वाला, और इसका मतलब पिज़्ज़ा बेस जो था ना वो भी बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही अच्छा, मतलब जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी अगर इसके बारे में नहीं जानते हो, इस जगह के बारे में, तो एक बार आप ग्लेन्स बेक हाउस ज़रूर आओ। निश्चित रूप से आपको यहाँ का फूड मेन्यू और डेज़र्ट भी जो है बहुत मज़ा आएगा खाने में। जितने भी ऑप्शन हैं सभी शानदार ऑप्शन हैं। यहाँ पे पास्ता भी बहुत यम्मी सा है। हम लोगों ने तो कई दो अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा मंगाया था, लेकिन चिकन बेस्ड पिज़्ज़ा ही था। और ये हमारा जो फ्रेंड है, तो मैंने कहा कि आप ही सर्व करो, मतलब ताकि मैं वीडियो ले सकूं। तो इस तरीके से हमने जो है पहले कपकेक एंजॉय किया, उसके बाद दो अलग अलग बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, तो वो हमने यहाँ खाया पिया, उसके बाद कुछ भी फ़ोटोज़ क्लिक किए, एक मेमोरी क्रिएट की। तो उम्मीद है कि आज का ये जो छोटा सा हमारा लास्ट वीकेंड संडे व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा, ग्लेन्स बेक हाउस सहकार नगर का। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, विच इज़ प्रियंका व्लॉगर। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।